गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कहा, धर्म जाति की नहीं विकास की राजनीति करती है कांग्रेस। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। यूपी का किसान बदहाल है, छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वाले को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भाजपा सरकार ने रोजगार मिलने वाली संस्थाओं को बेच डाला। जी हाँ, यह कहना है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। वह शनिवार को पंचायत इंटर कॉलेज परतावल, फूल नहा इंटर कॉलेज फरेंदा, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज बुद्ध नगर, अड्डा बाजार में जनसभा को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। घोषणा पत्र में किए सारे वादे को कांग्रेस पूरा करेगी। समाज के हर वर्ग के हित के लिए कांग्रेस काम करेगी। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के संबंध में आज मैं कुछ बातें करने आई हूँ। चुनाव के दौरान आपने बहुत से नेताओं का भाषण सुना होगा। आप यह सोचते होंगे कि नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। नौजवानों की ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हुनर उत्तर प्रदेश में है। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।